हाँ, तो मैं जैसे कह रहा था कि इसमें मैं बताऊंगा कि किलोग्राम से हम लोग ग्राम में कैसे कन्वर्शन करेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लिया अगर लिखा हुआ है यहाँ पर, तुमने लिखा रहा होगा कन्वर्शन, लिखा रहेगा कन्वर्ट, कन्वर्ट कन्वर्ट हाँ, फॉलोइंग इनटू ग्राम, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लिया अगर लिखा रहेगा 5 kg माने किलोग्राम टू ग्राम, ऐसे एक सम रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 5 kg के बदले हम पर लिखेंगे 5 सॉल्यूशन, ऐसे करेंगे। एक नंबर मान लिया ये सम है, इसका सॉल्यूशन इस तरह करेंगे, 5 kg इस तरह लिखेंगे, फिर इक्वल टू लिखेंगे 5 × 1 kg, 5 × 1 kg इस तरह बाहर लिख देंगे। ठीक है, तो मैं इधर दिखा रहा हूँ, मैं अच्छा, दूसरा में दिखा रहा हूँ, वीडियो बन रहा है। मैं यहाँ से इसको नीचे जा रहा हूँ। मैं क्या लिखा था, 5 × 1 kg। अब हम लोग जानते हैं कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो ये 1 के बदले हम यहाँ जो 1 लिखा हुआ है इसके बदले हम ये 1000 लिख देंगे, है ना, 1 के बदले हम 1000 लिख देंगे। तो क्या होगा, 5 × 1000 हाँ। अभी ये जो किलोग्राम हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लिख दिए किलो, यहाँ लिख दिए किलोग्राम से ग्राम में जा रहा, समझ आ रहा ना है, ये कुत्ता बिल्ली के खेल नहीं है, खूब ध्यान दे के सुनना है तुम लोग को, समझ गया ना। बहुत बहुत बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं, सोच रहे होंगे। चलो ये तो किलोग्राम जो है ये क्या, बच्चों लोग मज़ा आ रहा ना, इसको हम लोग जी बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब 1 के बदले 1000 लिख दिए तो kg को हम जी बना देते हैं। ठीक है, इसको अभी भी हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि सब अभी मल्टीप्लिकेशन का यहाँ निशान है, इसलिए ब्रैकेट रखेंगे। जब ये हट जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो हटा देंगे। जैसे 5 × 1 = 5, ऐसे ही करना है। उसके बाद जितना जीरो है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, और यहाँ जो बाहर बचा है उसको लिख देंगे जी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ख़त्म हो गया, इसलिए हम ये ब्रैकेट को हटा देंगे। तो ये हो गया 5000 ग्राम, और यही हो गया आंसर। ये सबसे मैं सिंपल बताया, अब इसके बाद जो मैं बताऊंगा थोड़ा सा इससे कठिन रहेगा, कठिन नहीं मतलब सभी इजी ही है। जैसे अगर लिखा रहेगा कि 7 kg 250 ग्राम, 2 ग्राम, यानी ये जो टोटल है इसको तुमको ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर ये जो ग्राम है, ये वाला पोर्शन में तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसको लास्ट में उसमें ऐड कर देना है, सिर्फ इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है, ये दिमाग में रखना है। लेकिन लिखते जाएंगे हम सब, इक्वल टू क्या लिखेंगे, 7 × 1 ऐसे लिख देंगे kg, 250 ग्राम, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, पर प्लस भी दो, क्योंकि बोला ना इस दोनों को हम लोग प्लस करेंगे बाद में। फिर वही हम फार्मूला लगाएंगे, 7 × 1 के बदले, 1 के बदले हम यहाँ पर 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो वो लिख दिए, और यहाँ kg को हम लोग जी बना देंगे, प्लस जहाँ जैसा का तैसा ये है इसको लिखते जाएंगे ग्राम। फिर इक्वल टू 7 × 1 = 7, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, अब ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो हम सीधा ग्राम लिख देंगे और प्लस साइन लिख देंगे, जैसा का तैसा चल रहा था वैसे ही करेंगे। ठीक है,
अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भी ग्राम दोनों ही एक जाति का हो गया। तो ग्राम ग्राम, रुपया रुपया, जैसे दूध दूध, पानी पानी मिलाने से कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये समझ लो ये पानी हो गया, ये भी पानी हो गया। अभी तक ये दूध था, केजी था, माने दूध था, अभी ये पानी हो गया, पानी पानी मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐड कैसे करेंगे, 7000 जैसे ऐड करते हो, 7000 ऐसे लिख दो। उसके बाद 250 ग्राम, 3 डिजिट है, 1 2 3, राइट साइड से लिखा जाएगा, याद रखना, 250। देखो 1 2 3, 1 2 3, ये बहुत ध्यान देने वाला बात है बच्चों। इसके बाद में हम यहाँ पर इसको ऐड कर रहे हैं, इसको तुम रफ में दिखा भी सकते हो, 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 0 2, 7, यानी इक्वल टू हो गया 7250 ग्राम, और यही हो गया आंसर। यहाँ पर हम ये जो एडिशन दिखाए हैं, एडिशन नहीं भी दिखाने का ज़रूरत है। अगर ये तीनों ज़ीरो है, अगर ये तीनों ज़ीरो है, याद रखो, तो 7 लिखने के बाद जितना भी यहाँ ग्राम लिखा हुआ है उसको रख देंगे। लेकिन याद रखे, यहाँ भी 3 डिजिट होना चाहिए। अगर ये 3 डिजिट नहीं होगा तो भी उसका हम एक दूसरा स्तंभ बना के समझाएंगे तुमको। और थोड़ा सा 2 एग्जाम्पल दिखाने चाह रहे हैं, जिससे और कन्फ्यूज़न और भी क्लियर हो जाए, ठीक है? इसका दूसरा वीडियो में हम दिखाएंगे।